एक और एग्जांपल लेते हैं इसी वाले का, एक्सटर्नल वाले का। हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी सारी साइड कितनी है, ए, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दी हुई है 10 वन, ये हमें दी हुई है, एक्सटर्नली दी हुई है। तो अब इसमें भी हम इस सरफेस से अगर निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर, जीरो। क्यों? ई और डी एस के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो हमारा फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। लेकिन अगर हम इसी सरफेस की बात करें तो इस सरफेस से कितना आएगा, ई इंटू डी एस, और कॉस जीरो मतलब वन, तो ई डी एस। और इसका एरिया कितना होता है, ये कैसा है, ये आपका हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो ये बाहर जा रहा है तो क्या आएगा, फाइ इक्वल टू ए स्क्वायर ई। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इस सरफेस से बात करूँ, तो कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर ई, तो टोटल कितना हो गया, जीरो। फिर ऐसे ही इधर 90, इधर 90, इधर 90, इधर 90, इट मीन्स टोटल फ्लक्स जीरो। तो हमें अब समझ में आ गया होगा कि हमें ये फॉर्मूला कब लगाना है। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला, गॉस थ्योरम, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमें जाना है। उसके पहले थोड़ा आपको ये समझा दें, जब कोई केवल एक पॉइंट होता है तो हम पॉइंट के चारों ओर स्फेयर मानते हैं, जब कोई लाइन होती है तो उस चारों ओर अगर हम स्फीयर बनाना चालू करें तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक सिलेंडर। तो माना कि हमारे पास एक एल लेंथ का वायर है जो कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और हम मानते हैं इसके क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला, मतलब हर एक पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सेम है। तो माना कि इसका जो एक सिलेंडर बना रहा है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, लेंथ कितनी है, एल। अब इसमें ई क्या दिया हुआ है, नहीं। इसमें ई कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ई कहाँ होगा, इधर से साइड, इधर से साइड, ये हमारा मतलब ई की डायरेक्शन होगी, सीधी बात आउटवर्ड होगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब अगेन सिलेंडर में कितने पोर्शन आ रहे हैं, 1, 2, 3। अब ई ये है और डी एस ये है, दोनों के बीच एंगल 90 मतलब आंसर जीरो, दोनों के बीच एंगल 90 मतलब आंसर जीरो, दोनों के बीच एंगल जीरो मतलब आंसर आएगा ई डी एस। और इसका एरिया कितना होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, तो यहाँ फाई इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई आर एल। सेम टू सेम इधर देखें, इसका हेमिस स्क्वायर का एरिया कितना होता है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर, पूरा स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई सॉरी ई इंटू डी एस, तो क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसके यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, q/2 epsilon naught, वहाँ कितनी आई थी, q/ε0, यहाँ कितनी आ गई, q/2 epsilon naught। ये बात याद रखिएगा, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ कितनी है, q/ε0, और इसको अगर हम आधा कर देते हैं कितना आ रही है, q/2 epsilon naught।